हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स न्यू एनसीईआरटी से, पहले हम एग्जांपल 12 करेंगे, फिर 11 करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट से लेकर के 10th तक करेंगे इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन एग्जांपल 12 सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4, 6 की पावर 3 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 27। तो ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर क्या है, 12। तो 12 के फैक्टर्स कर लो, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट छोटा होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 6 या 12, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6 और 3 1 या 3। तो इसके जो 12 के फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 इंटू 3। तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। अब हमारा जो 9 है तो 9 के भी फैक्टर्स कर लो, तो 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9, फिर 3 से करोगे 1, तो 9 को आप क्या लिख दोगे, 3 इंटू 3, और ये भी 3 की पावर स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स कर लो, तो 4 के क्या बनेंगे, 2 2 या 4 2 1 या 2, तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 8 है आपका, 8 है तो 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो 8 की आप जो फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख देंगे। इस तरीके से हमें सबके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अब आपका जो 27 है तो 27 के फैक्टर्स करो, तो 27 के जो फैक्टर्स आएंगे, 27 के फैक्टर्स आएंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो 27 के फैक्टर्स हैं वो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 3 टाइम्स आ रहा है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अब हमारा जो सब फैक्टर्स हो गए, तो 12 के जो फैक्टर्स आए थे तो वो 12 के फैक्टर्स क्या बने थे, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये बना था, और इसकी होल पावर कितना है, 4 लगा दो। अब 9 के फैक्टर्स क्या बने थे, 3 इंटू 3 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4 लगा देंगे, और 4 के फैक्टर्स क्या बने थे, 2 की पावर 2, तो उसको पावर में 2 की पावर 2 लिख देंगे। 6, तो 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 और इसकी पावर 3 लगा दो। 8 को क्या लिखा था आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है, 2। और अभी आपने 27 के फैक्टर्स किए थे तो क्या आया था, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 3, तो ये सबके बेस प्राइम नंबर बन गए। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एम उसकी पावर एन, तो हम इसे ए की पावर एम इंटू एन लिख देते हैं, एम इंटू एन। एक तो ये फार्मूला लगेगा, और दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा, दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में बंद हैं, और उसके ऊपर सेम पावर है, तो इनकी पावर अलग अलग टूट जाएगी, ए की पावर एम बी की पावर एम, इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम इसको खोलेंगे, ए 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर क्या लगा देंगे, पावर के ऊपर पावर 4, फिर 3 को अलग तोड़ लो, 3 की पावर 4 अलग लग गई, फिर इसे पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2 इंटू 4 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 2 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर 3 ए की पावर है तो तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई दोनों पावर्स का होगा तो 3 इंटू 2 आएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरीके से पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 2 जा 8 और 2 की पावर 2, एज इट इज हमने लिख दिया। अब नीचे क्या आएगा, टू की पावर 3 और 2 की पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 3 अभी आ गया। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8, तो ये 2 की पावर 8 ये हो गया, और 2 की पावर 2 बेस इक्वल हैं तो बेस इक्वल होते हैं, जैसे ये बेस इक्वल है, a की पावर m a की पावर n बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर 2 की पावर 4 2 जा 8 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 8 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा इंटू, ये डॉट इंटू का साइन माना जाएगा, 3 की पावर
फोर प्लस एट यहाँ पर हो जाएगा, दोनों पावर्स ऐड हो गई, बेस इक्वल हैं। टू की पावर थ्री ये हो जाएगा और टू की पावर सिक्स ये भी ऐड इसके साथ हो जाएगा, बेस इक्वल हैं। और थ्री की पावर थ्री और थ्री की पावर थ्री ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो टू की पावर यहाँ पर आएगा एट प्लस टू टेन आएगा, ये इनटू का साइन माना जाएगा, डॉट है, और थ्री की पावर यहाँ पर ट्वेल्व आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, टू की पावर नाइन आएगा और यहाँ पर डॉट इनटू का साइन माना जाएगा, थ्री की पावर सिक्स आ जाएगा, यहाँ पर थ्री की पावर यहाँ पर सिक्स आ जाएगा यहाँ पर। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, ए फॉर्मूला होगा ए की पावर एम माइनस एन, तो ए फॉर्मूला अब फिर लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टू की पावर टेन ये नाइन ऊपर जाएगा माइनस का, इनटू थ्री की पावर ट्वेल्व और ये सिक्स ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टू की पावर यहाँ पर टेन में से नाइन जाएगा वन, इनटू थ्री की पावर सिक्स आएगा। अब हम टू और थ्री को सिक्स बार लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो यहाँ पर ये टू, अब यहाँ पर क्या, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और फिर हम थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन का टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फोर, ये आपका ट्वेंटी सेवन आएगा। फिफ्टी फोर ट्वेंटी सेवन का मल्टीप्लाई करो, वन फोर फाइव एट, 1458, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इसका फर्स्ट हमने किया है। अब हम सेकेंड की तरफ मूव करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया है, आप उसको डिफरेंस को ठीक कर लेंगे। हमने यहाँ पर नाइन की पावर फोर ले लिया है, यहाँ क्वेश्चन में नाइन की पावर थ्री है, तो आप जब करोगे तो नाइन की पावर थ्री से करोगे तो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, मेथड वही है, डोंट वरी, पावर चेंज भी हो सकती है, तो हमने चेंज कर दी थी इसमें, तो नाइन की पावर थ्री से आप कर लेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, एग्जाम्पल ट्वेल्थ का। एग्जाम्पल ट्वेल्व का सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाइड, टू की पावर थ्री इंटू ए की पावर थ्री इंटू फाइव ए की पावर फोर, तो हम जो न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू की पावर थ्री इंटू फाइव, फिर हम क्या लेंगे, इंटू ए की पावर थ्री इंटू डॉट इंटू माना जाएगा ए की पावर फोर, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा दो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जब बेस इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये तो टू की पावर थ्री है ना, तो इसे तीन बार लिखोगे, टू इंटू टू इंटू टू और फाइव। अब यहाँ पर ए की पावर थ्री प्लस फोर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो गई, क्योंकि इनके बेसिस इक्वल हैं, पावर ऐड हो जाएंगे, थ्री प्लस फोर हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, और ए की पावर थ्री प्लस फोर सेवन, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट टू इंटू थ्री की पावर फोर इंटू टू की पावर फाइव अपॉन नाइन इंटू फोर की पावर टू, तो यहाँ पर टू प्राइम नंबर कोई फैक्टर्स, थ्री प्राइम नंबर कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, टू के कोई फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे, नाइन के प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो थ्री से डिवाइड करो, थ्री थ्री या नाइन, तो थ्री 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 वन या थ्री, तो नाइन को आप क्या लिख सकते हो, थ्री इंटू थ्री, थ्री की पावर यहाँ पर टू आ जाएगी। और ऐसे ही फोर है, तो फोर के प्राइम फैक्टर्स करोगे, तो टू टू जा फोर, टू वन जा टू, तो फोर के प्राइम फैक्टर्स टू इंटू टू, टू की पावर टू, इसे चेंज कर लो, टू एज इट इज, थ्री की पावर फोर एज इट इज, टू की पावर फाइव एज इट इज, नाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्री रेस टू जा पावर टू, और फोर को किस में, टू रेस टू जा पावर टू, टू की पावर टू, और टू पावर पहले से थी। अब हम कौन सी आइडेंटिटी फिर यूज करेंगे, ए की पावर एम, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जब बेसिस इक्वल हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस एक बार लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर एम प्लस एन, तो टू एज इट इज, और टू की पावर वन, और टू की पावर वन ले लो या कोई पावर नहीं है, टू की पावर फाइव इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो टू की पावर वन प्लस फाइव, ये डॉट इंटू का साइन माना जाएगा, थ्री की पावर फोर, थ्री का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और ये पावर के ऊपर जब पावर होती है, ब्रैकेट लगा हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये यहाँ पर आइडेंटिटी इसकी यूज होगी एक्सपोनेंट्स की, तो टू की पावर आ जाएगा टू इंटू टू, टू इंटू टू ए आ जाएगा। अब हम टू की पावर फाइव प्लस वन सिक्स लिखेंगे, थ्री की पावर फोर, और ये थ्री की पावर टू आएगा,
और 2 की पावर 2 जा 4, 2 जा 4 ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर दिखा दो, अब हम इसे 2 की पावर 1 प्लस 5, 2 की पावर 6, 3 पावर 4 एज इट इज, 3 की पावर 2 एज इट इज, 2 की पावर 2 जा 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की पावर m और a की पावर n डिवाइड हो रहा है, बेस इक्वल है तो ऊपर m बड़ा होगा, n छोटा है तो n ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 है ना, तो ये जा करके माइनस हो जाएगी, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बेस इक्वल है तो 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 4 माइनस होगी, 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 माइनस होगी, तो यहाँ 2 की पावर 6 में से 4 गया तो 2 की पावर 2 ये डॉट इनटू का साइन माना जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, अब 2 को दो बार लिख लो, 2 इंटू 2, ऐसे ही हम 3 को लिख लेंगे दो बार, 3 इंटू 3, तो 2 जा 4, 3 जा 9, ये 36, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 36। अब हम क्वेश्चन नंबर, अब हम एग्जांपल 11th के पार्ट्स इसमें करेंगे। एग्जांपल 11 फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है, आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 2 बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहा है, जब बेस इक्वल हो और डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं कि ए ऊपर जा करके माइनस हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन, बस यहाँ पर क्या है ऊपर वाली पावर एम बड़ी होगी एन से, तब तो 3 की पावर 7 तो ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 की पावर 2, अब ये इंटू 3 की पावर 5, अब क्या होगा 3 की पावर 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 3 की पावर 5, अब हमारी आइडेंटिटी लगेगी, अगर बेस इक्वल है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर उसमें ऐड हो जाती हैं, तो इस तरीके से यहाँ 3 की पावर 5 प्लस 5 तो 3 की पावर 10 आंसर आ जाएगा। अब हम इसे खोलेंगे नहीं, एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर किस में चाह रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी 3 की पावर 10, 3 रेस टू या पावर 10 इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, तो यहाँ पर पहले कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में m प्लस n, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, तो 2 की पावर 3 प्लस 2, ये 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर इंटू 2 की पावर 2, 3 प्लस 2 ये पावर ऐड हो गई, 5 की पावर 5 यहाँ एज इट इज लिख दो तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे अब, जैसे यहाँ पर पावर एक है, बेस अलग अलग है, पावर एक हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे दोनों बेसिस का मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट बंद करो, एक ही पावर लगा दो, वही फंडा यहाँ पर है, 2 इंटू 5 करो, ब्रैकेट बंद करो, एक ही पावर है तो 5 लगा दो, सेम पावर है, 5 टू या 10 तो 10 की पावर 5, ये इसका आपका आंसर आया सेकेंड पार्ट का। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, एग्जाम्पल 11 का थर्ड पार्ट, 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो बोर्ड मास है ना, तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो काम है उसे करो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, तो यहाँ पर कौन सी 6 बेस इक्वल है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, डॉट इंटू का काम कर रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 6 की पावर 2 प्लस 4 और ब्रैकेट बंद कर दो या ब्रैकेट हटा दो अब, तो 6 की पावर 3 आ जाएगी, और ये यहाँ पर 6 की पावर 2 प्लस 4 6 की पावर 3 आ जाएगी, और ये डिवाइड हो रहा है तो 6 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ पर, अभी डिवाइड हो रहा है तो ये 6 की पावर 3 नीचे आएगा तो 6 की पावर 3 नीचे आ गया, ए यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, डिवाइड का साइन है, अगर बेस इक्वल हैं और डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर तो यहाँ पर ऊपर जा कर के m माइनस n हो जाएगा, बस शर्त यह है कि m n से बड़ा हो, मतलब ऊपर की पावर बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 की पावर 6 माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ 6 की पावर 6 माइनस 3 6 की पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है,
और इसका ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर 6 की पावर 3 ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। एग्जाम्पल 11 का फोर्थ पार्ट, सिंप्लीफाई करना है आंसर को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर जब पावर होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पर पावर की पावर है तो 2 की पावर 2 और 2 इंटू 3 पावर एड मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 3 और ये 3 की पावर 6 और क्लोज कर दो ब्रैकेट को और ये एज इट इज 5 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 2 या 6 2 की पावर 6 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर क्या है बेस ये ले लो ए की पावर एम बी की पावर एम और सी की पावर एम, कितने भी नंबर हों बेस अलग अलग हैं, पावर एक हैं, दो नंबर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 है तीनों को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाओ एक ऊपर पावर लगा दो बस। तो इसकी सबकी पावर 1 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो और उसकी पावर 6 लगा दो तो 5 3 या 15 15 2 या 30 तो 30 की पावर 6 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। एग्जाम्पल 11th का फिफ्थ पार्ट, 8 की पावर 2 / 2 की पावर 3 8 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3। तो हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स बना लेंगे क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स करो 2 से डिवाइड करो 2 4 जाए 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जाए 4, 2 को 1 से डिवाइड करो 2 1 जाए 2। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और ये होल पावर 2 और 2 की पावर 3। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो सीधे हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगा 3 इंटू 2 / 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 6 / 2 की पावर 3। अब बेस इक्वल है और ये नंबर डिवाइड हो रहा है a की पावर m / a की पावर n तो a की पावर m माइनस n सीधे यहाँ पर लग जाएगा। तो ये पावर बड़ी है, जो सी पावर बड़ी है वहाँ पर 2 की पावर 6 को पहले लिखेंगे, 2 की पावर 3 ए 3 ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 2 की पावर a 3 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11th एग्जाम्पल 12th इस वीडियो में कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 11.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4th है और उसके जो पार्ट्स हैं वो भी हम उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।